is a friendship that'll never ever end. What's up YouTube, this is Aram Khan and I'm back with another video. जितना आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच. और जो लोग ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है. तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्डल किस टाइप से बनाया जाता है. एक अक्षरों का समूह होता है वर्डल, इसको हम बादलों का समूह भी कह सकते हैं, अक्षरों का बादल भी कह सकते हैं. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक बन जाती है, उस पिक को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी. पहले तो ये ट्रिक कंप्यूटर के यूज़ से की जाती थी लेकिन मैंने एक ऐसा ऐप ढूंढ निकाला है जिसकी सहायता से आप इस ट्रिक को अपने मोबाइल की सहायता से भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा. सारा प्रोसेस मैं आपको क्लियरली इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो पर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना. तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर. ओके, तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर. सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने प्ले स्टोर में. प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली आपको ऊपर सर्च करना है वर्ड क्लाउड, WORDCLOUD. वर्ड क्लाउड लिखने के बाद यहाँ से सिंपल सर्च कर दीजिएगा. फर्स्ट नंबर पे जो ऐप खुलेगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है. इस ऐप को ओपन करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा. ये इस ऐप का इंटरफेस है, देख सकते हैं आप लोग, इसकी 4.3 की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज़्यादा इसको डाउनलोड कर चुके हैं लोग, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है. चलिए प्ले स्टोर को बंद करता हूँ. इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस टाइप से लोगो बनकर आएगा वर्ड क्लाउड का, देख लीजिए, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ राउंड कर. तो सिंपली इस ऐप को हमें ओपन कर लेना है. ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ वर्ड्स पर जाना है. वर्ड्स पर जाने के बाद यहाँ कुछ आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, इनको सबको क्रॉस कर दीजिएगा. ये कीवर्ड्स वो हैं जो मैंने अपने मोबाइल से पहले बना रखे हैं. आप अगर फर्स्ट टाइम ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ और कीवर्ड मिलेंगे. अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के जो भी कीवर्ड डालना चाहें वो डाल सकते हैं. जैसे मेरा नाम है एहराम तो मैं डालता हूँ एहराम, यहाँ से प्लस, फिर खान, फिर मेरा टैग चैनल है तो मैं टैग डाल देता हूँ. तो मैं अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग करते रहता हूँ तो अनबॉक्सिंग डाल देता हूँ. नेक्स्ट यूट्यूब, नेक्स्ट फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग डालना चाहें, जितने भी कीवर्ड आप इसमें डालना चाहें उतने डाल सकते हैं. मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, थोड़े से ही डाल रहा हूँ. उसके बाद आप सिंपल यहाँ से इसको बैक करा दीजिएगा. बैक करने के बाद आप यहाँ से कलर्स में जाकर इसको कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं. सिंपली मैं फर्स्ट वाला कलर चेंज कर इसको बैक कर देता हूँ. उसके बाद आप यहाँ से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हार्ट का, स्क्वायर का, कोई सा भी शेप, कार वाला, कप वाला, चलिए हम बल्ब वाला फेस यूज़ करते हैं. उसके बाद हम सिंपल यहाँ से बैक कर देंगे, एक बार और बैक कर देंगे. फिर यहाँ से फॉन्ट में जाके कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं. देखिए जिन जिन फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे वो सारे फॉन्ट इसमें शामिल हो जाएंगे. उसके बाद बैक करेंगे, देखिए कितने सारे फॉन्ट्स हमारे चेंज हो गए. उसके बाद अदर में जाएंगे, अदर में जाने के बाद बॉर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा बॉर्डर गायब हो जाएगा. फिर दोबारा बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा बॉर्डर दूसरे कलर में आ जाएगा. फिर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर फिर गायब हो जाएगा. दोबारा क्लिक करेंगे तो बॉर्डर दूसरे कलर में आ जाएगा. इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपको सिंपल ऊपर एक बटन दिखेगा डबल एरो लगे हुए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा अंदर का इंटरफेस चेंज होकर दूसरी तरह से लिख जाएगा. मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए जिस टाइप से भी आपको रखना है उस टाइप से अपना चेंज कर सकते हैं. मेरा नाम बीच में आ गया है एहराम, मैं इसको इसी टाइप से रखना चाहता हूँ. तो बाकी की और भी सेटिंग है, आप लोग चाहें तो यहाँ फंक्शंस में जाके देख लीजिएगा. अब सिंपल सब सेटिंग करने के बाद हम इसको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट टू PNG पर क्लिक कर देंगे. उसके बाद हमारी ये इमेज गैलरी में सेव हो जाएगी. गैलरी में सेव होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज कैसे लिखती है. तो चलते हैं हमारी गैलरी में. गैलरी में जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे, फिर वर्ड क्लाउड के फोल्डर में हमारा ये पिक तैयार हो चुका है. जो मैंने अभी पिक बनाई थी वो ये है, देखिए जूम करके भी दिखाता हूँ, इसके पिक्सल बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे हैं. इसको आप सिंपली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर फेसबुक DP पर, अपने व्हाट्सएप DP पर, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो इस टाइप से कोई एक बैनर बना के अच्छा था वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें आप बता सकते हैं कि किस टाइप का आपका चैनल है, आप अपने चैनल पर किस किस टाइप की वीडियोस लाते हैं. ये कुछ और पिक्स हैं जो मैंने आपके लिए पहले से बना रखी थी. तो ये तो बहुत सिंपली मैंने बनाया है गाइस, आप इस ऐप को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छी क्रिएट कर सकते हैं. तो बस ये रैंडम सी वीडियो थी गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो थैंक यू. तो ये थी मेरी आज की वीडियो गाइस, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर 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 करें. मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में. जब तक के लिए ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप. दिस इज एराम खान, यू आर वॉचिंग टेक एराम, ओवर एंड आउट.